में आप लोग को न्यूमेरिकल करा रहे थे, तो चलिए अब आगे भी देखते हैं न्यूमेरिकल ही। देखो क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन है बाबू, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एम एंड फर्स्ट एम एंड फर्स्ट इन टर्म्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर सो डैट सो डैट द रेशियो ऑफ इट्स एम एथ एंड एन एथ टर्म ऑफ इट्स mth and nth term so that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1 क्या प्रूव करना है 2m minus 1 is to 2n minus 1 प्रूव करना है तो क्या बाबू हो जाएगा तो देखो द रेशियो ऑफ द ध्यान दीजिए बाबू द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म एंड फर्स्ट n टर्म इज सेम इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इक्वल टू क्या है बाबू एम बाय टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू अच्छा क्वेश्चन इक्वल टू क्या है बाबू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ध्यान दो बाबू रेशियो है ना एस एन बटा एस एन कितना दिया हुआ है एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर दिया हुआ है बाबू अब ध्यान दो बाबू तो एम बाय टू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एस एन का वैल्यू और एस एन का वैल्यू पुट कर दिए एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक एन से एक एन कैंसर एक एम से एक एम कैंसर टू से टू कैंसर तो क्या बच गया बाबू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बटा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम अपॉन एन कोई दिक्कत नहीं अब ध्यान दे बाबू इसको सॉल्व कर दे तो सॉल्व कर देते हैं बाबू तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा एम इंटू
2a plus n minus 1 into d और n into 2a plus m minus 1 into d 2am plus mnd minus md equal to 2an plus mnd minus nd। तो ध्यान दो बाबू, mnd और mnd कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा बाबू, 2am minus 2an, तो md minus क्या बच जाएगा, nd, तो d कॉमन निकाल लेंगे तो m minus n बच जाएगा और 2a कॉमन निकाल लेंगे तो m minus n बच जाएगा, तो क्या बचेगा, d m minus n, m minus n minus कैंसिल आउट हो गया, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया, d, 2a इक्वल टू क्या आ गया बाबू, d। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिए, अब हमें एनमा टर्म एम एथ और एन एथ टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एम इक्वल टू एम एथ टर्म ऑफ एपी, एपी इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी और एन इक्वल टू एन एथ टर्म ऑफ एपी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एम अपॉन ए एन, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अब बताओ बाबू, d का वैल्यू क्या लाए हैं, 2a, तो पुट कर देते हैं, a प्लस m माइनस वन इंटू टू ए और a प्लस n माइनस वन इंटू, क्या है बाबू, am बटा an, ये तो दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, वन प्लस एम माइनस वन इंटू टू डिवाइडेड बटा, ए कॉमन निकाल लेते हैं, वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो बाबू, ए एम डिवाइडेड बटा एन क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो वन प्लस टू एम माइनस टू, वन प्लस टू एन माइनस टू, तो टू एम माइनस वन आ गया और टू एन माइनस वन आ गया, एक रूप करके ला रहा था ना, चलिए आ गया। अब आगे क्वेश्चन लिखिए बाबू, एक घर से कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, द रेशियो ऑफ द इलेवेंथ टर्म टू एटीनथ टर्म ऑफ एन एपी इज ऑफ एन एपी इज टू इज टू थ्री, कोई दिक्कत, फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म टू ट्वेंटी वनस्ट टर्म, फिफ्थ टर्म टू ट्वेंटी वनस्ट टर्म एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द
and also the ratio of the and also the ratio of the sum of the sum of the first five term to the five terms to the sum of first 21 देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो कितना है 2:3 है. फिर क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म और 21st टर्म. कहता है कि 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो क्या करना है फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ 5th टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म. तो क्या क्या फाइंड आउट करना है बाबू. तो देखो हिंट दे देते हैं, आप लोग घर से करके आइएगा. हिंट दे देते हैं, लेट ए एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. लिख लीजिए, हिंट दे देते हैं. लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवेन एपी. गिवेन एपी क्या, ये क्या है फर्स्ट टर्म है और डी क्या है बाबू कॉमन डिफरेंस है. हमें क्या कह रहा है 11th टर्म टू 18th टर्म. देखो बाबू द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, तो ए 11 क्या हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. ए 18 क्या हो जाएगा बाबू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी. तो ए प्लस कितना 10 डी डिवाइडेड बटा ए प्लस कितना 17 डी. ये दोनों का रेशियो कितना है 2/3. तो यहां से क्या फाइंड आउट कर लीजिएगा बाबू, ए फाइंड आउट कर लीजिएगा. क्या फाइंड आउट कर लीजिएगा ए. जब ए फाइंड आउट हो जाएगा बाबू सॉरी ए फाइंड आउट कर लीजिएगा. जब ए फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या निकालना है फिफ्थ टर्म ए 5 डिवाइडेड बटा ए 21 फाइंड आउट कर लीजिएगा. ये जब फाइंड आउट हो जाएगा तो एस 5 बटा एस 21 कर लीजिएगा. तो ये 5 क्या हो जाएगा बाबू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी तो ए प्लस 4 डी आ जाएगा. और ध्यान दीजिएगा ए प्लस 20 डी आ जाएगा. ए का वैल्यू फिर यहां पुट कर दीजिएगा, यहां 5/2 टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी 21/2 टू ए प्लस 21 माइनस डी. तो देखिए बाबू ए 5 और ए ध्यान दीजिए ए 5 ए 21 तो ए 5 और ए 21 का वैल्यू क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा. इसको हम ऐसे भी अगर लिखना चाहिए शॉर्टकट में तो लिख दीजिएगा. इसका जो वैल्यू लिखिएगा ए का तो वैल्यू पता ही है तो ए प्लस इसको ए प्लस 40 कर दीजिएगा और इसको कर दीजिएगा 21/2 ए प्लस 20 डी कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा. चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. If S and denotes
the sum of first n terms of an AP proved that S 12 equal to 3 into S 8 minus S 4. कहता है कि S n denote the sum of first n term of an AP. देखिए क्या क्या है वहां, एक क्वेश्चन का हिंट देते आप लोग खुद से बनाइएगा. S n equal to क्या दिया गया, n by 2 2a plus n minus 1 into d. अब बताइए S 12 निकालना होगा, तो 12 upon 2 2a plus 12 minus 1 into d. S 8 निकाल लीजिएगा, S 8 क्या करिएगा बाबू, क्या आएगा 8 by 2 2a plus 8 minus 1 into d. फिर क्या करिएगा, S 4 निकालिएगा, 4 upon 2 2a plus 4 minus 1 into d. अब बताइए S 12 का वैल्यू क्या कह रहा है, क्या आना चाहिए 3 into S 8 minus S 4 आना चाहिए. तो 3 into S 8 minus S 4 का क्या कर लीजिएगा, वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा, दे देगा वहां वो, ठीक है ना. आ कर लीजिएगा तो आ जाएगा, ये दोनों को कर लीजिएगा आ जाएगा. चलिए बाबू, अब आप लोग का और न्यूमेरिकल बचा हुआ है उसको भी देख ही लेते हैं. एक से दो क्लास और लगेगा न्यूमेरिकल का बाबू, मे भी हार्डली वन से टू क्लास जाएगा, हार्डली वन से टू क्लास में आपका लगभग जो आपके सिलेबस में थे ढंग का क्वेश्चन, जो मेरे को ढंग का बुझाया वो क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा बाबू वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा. क्या करिएगा, अगला क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ all three digit natural number which are multiple of 11. कहता है कि ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर का सम फाइंड करिए जो क्या हो 11 का मल्टीपल हो. तब बताइए बाबू, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा जो 11 का मल्टीपल हो, ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर आर ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर सर आर 110 हो जाएगा बाबू, 121 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, डॉट डॉट 999 हो जाएगा. क्या हो जाएगा बाबू, 999 हो जाएगा.
अब ध्यान दीजिए बाबू, ए पता है 110, डी पता है 121 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा 1211, 11 आ जाएगा। डी कितना आ गया बाबू, 11। एन का वैल्यू कितना हो गया, 999 हो गया। अब बताइए, पहले तो हमको एन फाइंड आउट करना होगा ना, तो एन इक्वल टू फाइंड आउट करने में कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से एन फाइंड आउट हो जाएगा। जब एन फाइंड आउट हो जाएगा तो एस एन फाइंड आउट कर लेंगे, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 and 900। अगला क्वेश्चन लिखे बाबू, इन एन एपी, अभी सब खुद करके आइएगा बाबू, इन एन एपी इट इज गिवन दैट S5 + S7 equal to 167 and S10 equal to 235 then find a P, एपी को फाइंड आउट करना बाबू, एपी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए बाबू, बहुत इजी है, यहां से इक्वेशन बनेगा बाबू, S5 + S7 इक्वल टू कितना है, 167, तो 5/2, 2a + 5 - 1 इंटू डी, 7/2, 2a + 7 - 1 इंटू डी, 22 कॉमन निकाल लीजिएगा सभी जैसे, इक्वल टू 167, तो 5 into a + 2d, 7 into a + 3d इक्वल टू कितना, 16। इसको क्वेश्चन वन मान लीजिएगा, S10 इक्वल टू क्या है, 235 है, तो 10/2, 2a + 10 - 1 इंटू डी, 235। इसको जब सॉल्व करिएगा बाबू, तो 5 into 2a + 9d, तो इसको इक्वेशन टू मान लीजिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू बी गेट, हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो बाबू, जब हम वन और टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाबू, तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ध्यान रखिए, ए का वैल्यू आ जाएगा और डी का वैल्यू आ जाएगा, तो एपी फाइंड आउट करने के लिए होगा, तो एपी बिल भी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी ए प्लस टू डी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा।
चलिए बाबा, अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिया गया है, उसके इन टर्म्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बाबू? सम फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखिए बाबू, तो क्या है सीरीज? क्या है? सॉरी, यही है। फोर माइनस टू बाई एन जोड़ डॉट डॉट डॉट। तो क्या है बाबू? समेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? सभी का समेशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बाबू? ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 माइनस 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, समेशन फाइंड आउट करना है ना। इसका समेशन क्या हो जाएगा? इन टर्म्स है, कहां इन टर्म्स है ना। तो अगर इन टर्म्स है बाबू, तो 4 गुना क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना एन। इसका समेशन क्या हो जाएगा बाबू? ये भी कहां तक जाता है? इन टर्म तक जा रहा है। तो इन टर्म का क्या समेशन निकाल लीजिए। तो देखो, इसका अगर समेशन निकालेंगे तो SN इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समेशन क्या आ जाएगा? d क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 0। ये कितना आ जाएगा? 4। तो क्या आ जाएगा? ध्यान दो, माइनस इसका समेशन n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए, समेशन n टर्म का निकालना है। तो n बाई टू ये कितना है? 4 है। n कितना है? n नहीं मालूम है। और d कितना है? 0 है। माइनस n बाई टू 2 गुना 1 बाई एन एन माइनस 1 गुना 2 बाई एन माइनस 1 बाई एन। तो क्या देगा? 1 बाई एन दे देगा। ध्यान दो बाबू, समेशन आ क्या जाएगा? एन बाई टू गुना 8, 2 फोर जा माइनस एन बाई टू इंटू 1 बटा एन। क्या निकाल लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस n माइनस 1। देखो बाबू, n से n क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचेगा बाबू? SN इक्वल टू 4n माइनस 1 बटा 2 2 प्लस n माइनस 1। तो 4n माइनस हाफ n प्लस 1। तो SN इक्वल टू 2। तो क्या देगा? 18 माइनस n प्लस 1। सेवन एन माइनस वन बाई टू। तो इन टर्म का समेशन क्या आ जाएगा बाबू? 7n माइनस 2 आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया बाबू, SN और SN का फॉर्मूला पुट कर दिए दोनों में, आ गया।
चलिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन एन ए पी घर से करके आइएगा। इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 22 द फर्स्ट टर्म इज 22 ए नेक्स्ट टर्म इज -11 ए नेक्स्ट टर्म इज -11 एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 66 फाइंड एन find n and hence find the common difference and hence find the common difference common difference कहता बाबू कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 22 है, नेक्स्ट टर्म क्या है -11 है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का समेशन कितना दिया हुआ 66, तो एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए अगर हम हिंट देना चाहें तो दे देते हैं, ये कितना दिया हुआ है 22, एन कितना है -11, एसएन कितना है 66, तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एन और डी, फाइंड आउट हो जाएगा बाबू, फाइंड आउट हो जाएगा, ये दोनों के हेल्प से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर सॉल्व कर देंगे बाबू। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर the first and the last term of an APR 5 and 45 respectively if the sum of all its term is 400 if the sum of all its term is 400 if the sum of all its term is 400 find the common difference and the number of terms find the common difference find the common difference and the number of टर्म्स क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन लिखे तो आप सभी बन जाएगा जैसे फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फाइंड द सम ऑफ
all natural number find the sum of all natural number between 200 and 400. Between 200 and 400. Between 200 and 400, which are divisible by 7? Which are divisible by 7? किससे divisible है? 7 से divisible है. अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू. Find how many integer integers between 200 and 500 are divisible by 8. Divisible by 8 500 or 200 or 500 के बीच कितने इंटीजर होंगे जो क्या होंगे 8 से डिविजिबल होंगे. तो 200 और 500 के बीच इंटीजर ले लीजिएगा. तो चलिए ध्यान दीजिए. अगला क्वेश्चन है बाबू. ए सम ऑफ रुपीज 2800 is to be used to award four prize if each prize after the first is after the first age rupees 200 less than the age rupees 200 less than the preceding price preceding price find the value of each of the price. Find the value of each of the prize. एक लास्ट क्वेश्चन है बाबू, ये भी लिख लीजिए.
चलिए अब लास्ट कल करवाएंगे, अब नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे बाबू। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब सॉल्व कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में इसको, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।